हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम रोजाने की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि कल अगर हमें हमारी मार्केट में लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली ट्रेड करना है तो कैसे करें, कहाँ पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लेवल होंगे, कहाँ पर हम एंटर करें, कहाँ पर हम एग्जिट करें। तो इन सारी बातों को डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह हमारी प्रोसेस भी दो पार्ट में डिवाइड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट के मूड को देखेंगे, सेकेंड पार्ट में हम लेवल्स की तरफ जंप करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट को अगर देखो तो कल यूएस की जो मार्केट है पॉजिटिव नोट पर क्लोज हुई थी। डाउ 213 पॉइंट पॉजिटिव और नैसडेक 100+ पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई थी। तो वीक की जो स्टार्ट है यूएस मार्केट ने अच्छी किया, लास्ट वीक भी ठीक ठाक स्टेबल था। और यूरोपियन मार्केट कल भी पॉजिटिव थी, आज भी काफ़ी स्ट्रांगली ट्रेड करते हुए नज़र आ रही है। तो पिछले हफ्ते भी ग्लोबल फ्रंट से ऐसा कोई कंसर्न नहीं था। इस वीक में भी अगर अभी तक हम देखें तो ग्लोबली जो मार्केट है बड़ी स्टेबली पॉजिटिवली ट्रेड हो रही है। अब हमारी मार्केट में क्या हुआ, निफ्टी 36 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है, बैंक निफ्टी 0.6 पॉजिटिव बंद हुई, यानी फ्लैट बंद हुई है। तो रिलायंस के कारण ही प्रेशर था मार्केट में। बाकी आज का मार्केट बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड था। ऑप्शन चेन का डाटा भी ये शो कर रहा था, बहुत पास सपोर्ट रेजिस्टेंस थे और बहुत ही बुरा दिन फॉर ऑप्शन बायर हम कह सकते हैं विटनेस हुआ है। ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो ठीक है, निफ्टी अपने सपोर्ट्स के ऊपर ही है, 13 EMA के नीचे, बट ओवरऑल ट्रेंड ठीक है। बैंक निफ्टी अगेन 44,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मैनेज कर पाई। अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग आई है 444.9.95.25। तो कल भी बहुत नीचे क्लोजिंग आई थी, बहुत 5 से 6 पॉइंट नीचे, आज भी सेम वही हुआ है। तो 44,500 के ऊपर समहाउ क्लोज नहीं दे पा रही है बैंक निफ्टी। अगर हम इंट्राडे की देखें कि इंट्राडे में कहाँ कहाँ एंट्री जनरेट हुई थी, जो लेवल्स आपको लास्ट वीडियो में दिए थे, अगर उसकी हेल्प से हम देखें तो एक तो आपको लेवल दिया था 44,500। अगर आप देखोगे तो आज पूरा दिन उसी के ऊपर नीचे घूमता रहा। स्टार्टिंग ऑफ द डे में 600 पे सबसे स्ट्रांग रेसिस्टेंस था, OI था, 500 पे सपोर्ट था। तो काफ़ी रेंज बाउंड थी मार्केट, उसी रेंज में फ्लक्चुएट कर रही थी। 600 जा रही थी सेलिंग आ जा रही थी, 500 पे बाइंग आ जा रही थी, फिर थोड़ी देर बाद 500 पे ही दोनों आ गया था मैक्सिमम। कॉल OI भी, पुट OI भी, पूरे दिन वहीं घूमती रह गई मार्केट। कोई भी एंट्री अगर आपने लेट से कोई एंट्री ली भी होती है, जैसे 500 पे आया था, यहाँ पे बाइंग सिग्नल बनाया था, बहुत अच्छी एंट्री होती, टारगेट आपका 600 ही हो पाता, क्योंकि OI में सबसे ज़्यादा कॉल OI वहीं नज़र आ रहा था, मार्केट उसको कभी क्रॉस कर ही नहीं पाए। तो अगर आप स्कैल्पर थे, छोटी छोटी मूव अगर कैप्चर कर रहे थे, छोटे मूव में सेटिस्फाई हो रहे थे, तो दो तीन एंट्री, एक एंट्री आपको ये मिल जाती। उसके बाद 600 पे आया, सेल सिग्नल जनरेट किया, तो 500 के टारगेट के साथ पुट बाय कर सकते थे, तो एक दो एंट्री मिल जाती। बाकी कोई बड़ी मूव जो लेवल्स आपको प्रोवाइड किए गए थे वो नहीं मिलती। अब अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें, निफ्टी का चार्ट ये रहा। अगर लेवल्स की बात करें जो दिए गए थे उनके थ्रू, तो एक तो लेवल था आपका 400 से 404 का जोन, जहाँ तो कभी गई नहीं। एक लेवल था नीचे 250 से 200 का, एक लेवल था 300 का, तो किसी लेवल पे आई नहीं। 375 से 325, 50 पॉइंट के ऊपर नीचे घूमती रही। आप कह सकते हो 350 के ऊपर नीचे मार्केट ऑक्सीलेट कर रही थी। ओवरऑल 300 से 400 की रेंज थी, तो उसके बीच में घूम रही थी। तो जो लेवल्स प्रोवाइड किए गए उनके थ्रू तो ट्रेड नहीं मिली। अगर आपको बाकी नॉलेज है, लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न या बाकी टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स के नॉलेज है, तो उससे आपने छोटी छोटी 10-20 पॉइंट की मूव पकड़ी हो तो वो अलग चीज़ है। तो ये था आज की मार्केट। एज अ ऑप्शन बायर बहुत ही बेकार मार्केट, क्योंकि अगर आप ऑप्शन सेलर की तरह ट्रेड कर रहे थे तो इट्स अ गुड डे। आप ऐसे डेज में बुल पुट या बियर कॉल बना के भी ट्रेड कर सकते हैं, या शॉर्ट स्ट्रेंगल्स बना सकते हैं, नेकेड ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं, थोड़ी कैपिटल रिक्वायर्ड होगी उसके लिए, बट ऐसे मार्केट में काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट दे के जाएंगे। और ऐसी मार्केट का पता कैसे करें, जब ऑप्शन चेन में बहुत पास पास सपोर्ट रेजिस्टेंस है, बहुत पास पास OI है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसी मार्केट का। बाकी निफ्टी को आगे मूव ना कर पाने में रिलायंस का काफ़ी बड़ा आज क्रूशियल रोल था। रिलायंस पूरे दिन प्रेशर में ही रहा, उसने निफ्टी को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, फिर भी समहाउ निफ्टी पॉजिटिव बायस में क्लोज हुई है, बहुत अच्छी बात है। इसको मेजरली जो सपोर्ट किया वो HDFC बैंक ने किया। तो
तो ये था आज का मार्केट का डिस्कशन। आप कल के मार्केट की बात कर लेते हैं। सपोर्ट है 200 से 250 का जोन, 19,000। रेजिस्टेंस है 397 से 400 का जोन, 500 और 750। ऑप्शन सेलर 19,700 और पुट सेलर 18,950 के नीचे रह सकते हैं, या आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो इसको आप 19,000 कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन बायर है तो ये आपके लेवल्स है जिनकी हेल्प से आप कल लॉजिकली ट्रेड कर सकते हो। बेटर यूटिलाइजेशन के लिए मैं क्या करता हूँ एक बार चार्ट में बता देता हूँ। तो नॉर्मली जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो एक फ्लैट से गैप अप सिनेरियो की, क्योंकि ग्लोबली मार्केट स्ट्रांगली ट्रेड हो रही है, हम भी पॉजिटिव बंद हुए हैं। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो तो पॉजिटिव है, निफ्टी डबल बॉटम बना के धीरे धीरे राइज हो रही है, बस मोमेंटम की कमी है। तो मोमेंटम आने पर काफ़ी अच्छा मूव आ सकता है। तो गैप अप से देख लेते हैं कि पहले गैप अप के सिनेरियो में क्या करना है। गैप अप के केस में जो जोन आ रहा है वो आ रहा है 397 से 400 का, ये जोन आ रहा है। इसके नीचे ऊपर या बराबर कहीं भी खुले, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे। अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो 400 पे आपको सबसे ज़्यादा कॉल का ओआई नज़र आएगा। तो एक बार मैं दिखा भी देता हूँ। तो ऑप्शन चेन में अगर हम जाएं तो 400 पे सबसे मैक्सिमम आपको कॉल का ओआई 500 पे नज़र आएगा, 400 पे भी सिग्निफिकेंट है, तो ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। तो अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल ओआई देख सकते हो। अगर कॉल ओआई डिक्रीज हो तो वो आपकी एडिट कन्विक्शन बढ़ाएगा, आप जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हो। टारगेट आपका 500 हो जाएगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, कॉल का ओआई कांस्टेंट रहे या इंक्रीज हो, देन जस्ट आउट द मनी वाली पुट आप बाय कर सकते हैं। 300 और 200 से 250 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा। तो ये बात है स्ट्राइक की, स्टॉप टारगेट की। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस कॉल के केस में, क्योंकि हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं 19,397 से 400 का, तो 400 के 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके आपका, आप कॉल बाय कर रहे हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 19,400 397 से 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा, और अगर आप पुट बाय कर रहे हैं तो इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। तो ये कॉल के केस में है और वो पुट के केस में। प्रीमियम की बात करें, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो स्टॉप लॉस लगाते हैं वो प्रीमियम के टर्म में ही लगाते हैं, तो प्रीमियम में हम क्या करेंगे, जो भी हमने कॉल पुट का प्रीमियम दिया है उसके 20 पॉइंट्स नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये था कि अगर मार्केट गैप अप हो तो उसे हमें कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड सिनेरियो की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट में जो निफ्टी क्लोज हुई है वो हुई है 19,300 समथिंग, एक बार अगर एग्जैक्ट डाटा देखें तो 19,342.65 क्लोज हुई है। तो अगर यहाँ कहीं पर ओपन होती है 19,342 के आसपास, तो लेवल तो ऊपर आ रहा है जोन और ये नीचे आ रहा है, एकदम आप ये कह सकते हो बीच में ओपन होगी, तो इंतज़ार कर सकते हो। आपकी दोनों लेवल्स के पास है, ब्रेकआउट हो तब एंट्री ले ले, या 13 EMA नीचे आ रहा है इसकी हेल्प से आप अपनी एंट्रीज को रिफाइंड कर सकते हो। बाकी अगर आप देखोगे तो 2 दिन से 350 को भी काफ़ी स्ट्रांगली रेसिस्ट कर रही है, तो आप 350 की हेल्प से भी एंट्री कर सकते हो कि 350 को ब्रेक करे, सस्टेन करे, देन 397 से 400 के टारगेट के साथ कॉल बाय। तो ये पहला टारगेट हो जाएगा, 500 दूसरा टारगेट हो जाएगा। तो ये था फ्लैट का सिनेरियो। तीसरे और लास्ट केस की तरफ चलते हैं, जो है गैप डाउन। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है, जोन आ रहा है, आप कह सकते हो 300 का ही लेवल है, तो इसके ऊपर नीचे कहीं भी खुले बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, तो 200 से 250 का जोन फर्स्ट और 100 आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, आप पुट के ओआई को यहाँ एडिट कर सकते हो कि वो इंक्रीज हो या कांस्टेंट रहे। तो कॉल बाय है, जस्ट आउट द मनी वाले आप कॉल बाय कर सकते हैं। 397 से 400 का जोन फर्स्ट और 500 आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो ये था निफ्टी, अगर गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट हो, तो उसे कैसे लॉजिकली डील करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड इंडेक्स की तरफ, जो है बैंक निफ्टी। सपोर्ट है 44 और 44,400, रेसिस्टेंस है 44,500 और 45,000। ऑप्शन सेलर है तो 45,500, पुट सेलर 43,400 के नीचे रह सकते हैं। बायर्स है तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो कल की मार्केट में। एक बार मैं बेटर विजुलाइजेशन के लिए चार्ट में ले चलता हूँ, जो बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो अगर बैंक निफ्टी के हम ऑप्शन चेन को देखें तो अभी के हिसाब से
जो मैक्सिमम कॉल हुआ है 45,000 पे नज़र आ रहा है, मैक्सिमम पुट ओआई भी 44,500 पे ही नज़र आ रहा है। तो दोनों ही सेम जगह पे नज़र आ रहा है, जिसके कारण मार्केट में मोमेंटम नहीं आ पा रहा, टफ फाइट चल रही है आप कह सकते हो बुल एंड बियर के बीच में। तो गैप अप से स्टार्ट करते, गैप अप के केस में कोई बड़ा गैप अप तो चांसेस बड़े कम है, गैप अप के केस में 44,500 का लेवल ही हम ले सकते हैं। तो इसके ऊपर खुले, क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, और कॉल पुट दोनों को आई मैक्सिमम है 44,500 पे, तो कॉल का वाई डिक्रीज हो और पुट का कॉन्स्टेंट रहे या इंक्रीज हो, तो ये एडिड कन्विक्शन प्रोवाइड करेगा। आप कॉल बाय कर सकते हैं जस्ट आउट द मनी वाली, 750 से 800 आपका टारगेट होगा, और ऊपर होने के बाद ओपन ऊपर ओपन होने के बाद क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, और जो कॉल का हुआ है वो इंक्रीज हो कांस्टेंट रहे और पुट का हुआ है डिक्रीज हो, देन पुट बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली, 400 और 250 आपके टारगेट हो जाएंगे। तो ये था स्ट्राइक के बारे में, टारगेट के बारे में। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस अगर आप कॉल बाय करते हो तो आप इसके 100 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हो, स्टॉप लॉस पुट के केस में 100 पॉइंट्स ऊपर लगा सकते हैं, प्रीमियम के टर्म में आप 40 पॉइंट्स नीचे लगा देंगे कॉल के केस में भी एंड पुट के केस में। तो ये था कि अगर गैप अप हो तो उसे कैसे डील करना है। अब चलते हैं हम अपने सेकंड सिनेरियो की तरफ जो है फ्लैट का। फ्लैट में जो निफ्टी बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 44,490 समथिंग पे हुई है, जस्ट 44,500 के नीचे। तो फ्लैट ओपन होती है तो 44,500 का लेवल ही काम आएगा, इसको ब्रेक करके सस्टेन करें, पुट का हुआ इंक्रीज हो या कांस्टेंट रहे, कॉल का डिक्रीज हो, तो जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं, 750 से 800 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा, और उसे ब्रेक ना कर पाए, सेल सिग्नल जनरेट हो और कॉल हुआ इंक्रीज हो फ्लैट रहे या पुट हुआ डिक्रीज हो, तो जस्ट आउट द मनी वाली आप पुट बाय कर सकते हैं, 400 और 250 आपके टारगेट हो जाएंगे। तो फ्लैट के केस में भी अगेन 44,500 का लेवल ही प्ले आउट करेगा। अगला है गैप डाउन। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है वो 44,400 का आ रहा है, जहाँ पे डेली 13 EMA भी आ रहा है, तो इसके ऊपर नीचे कहीं भी खुले बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो 250 के टारगेट के साथ जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय, और क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो 500 के टारगेट के साथ जस्ट आउट द मनी वाली आप कॉल बाय कर सकते हैं, और 500 ब्रेक करता है सस्टेन करता है और बाकी ओआई सपोर्ट करता है, तो 750 के टारगेट के लिए भी बैठ सकते हैं। तो ये था कि कल अगर मार्केट गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट ओपन हो तो उसे कैसे डील करें। अब चलते हैं फाइनेंशियल निफ्टी की तरफ। सपोर्ट है 575 से 600, 746 से 750, रेसिस्टेंस है 920,000, ऑप्शन सेलर है तो 20,300 और 19,250 के नीचे रह सकते हैं, बायर है तो आपके लेवल्स ये रहे। तो ये था हमारी कल की मार्केट के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ ये डिस्कशन कल ज़रूर कुछ लॉजिकल ट्रेड करने में आपकी हेल्प करेगा। इसी विश के साथ आज के डिस्कशन को एंड करते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हो ऑनेस्टली, तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, कोई सजेशन हो तो भी बताएं। और हमेशा की तरह एक सजेशन के साथ ये वीडियो एंड करेंगे कि अपने हार्ड एंड मनी मार्केट में लगा रहे, लॉजिक के साथ ट्रेड करें, विदाउट लॉजिक तो कोई फ़ायदा नहीं है, लॉजिक के साथ भी 100% चांसेस नहीं है बट मैक्सिमम हो जाते हैं। तो होप करते हैं कि कल का दिन लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल हो। हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू वेरी मच।